अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर टू क्या, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन है, ड्रिल से ही क्वेश्चन है आपका, कि स्पिंडल स्पीड इन अ लेथ फॉर टर्निंग अ 40 mm। ये क्वेश्चन आपका लेथ की स्पिंडल स्पीड से है। कटिंग स्पीड आपकी चाहे ड्रिल की हो या फिर लेथ मशीन की हो, फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही रहता है, ठीक है? फॉर्मूला दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिंडल स्पीड इन अ लेथ फॉर टर्निंग 40 mm डाया जॉब, ठीक है? 40 mm जॉब का डाया है, ठीक है? 40 mm जॉब का डाया है, ठीक है? अब एट अ कटिंग स्पीड ऑफ 30 मीटर प्रति मिनट। कटिंग स्पीड कितनी दी है? 30 मीटर दी हुई है, ठीक है? कटिंग स्पीड कितनी दी है? 30 मीटर दी हुई है। अब स्पिंडल की गति, ठीक है? स्पिंडल स्पीड मतलब क्या होता है? आरपीएम होता है, ठीक है? स्पिंडल स्पीड मतलब क्या होता है? आरपीएम होता है, ठीक है? स्पिंडल स्पीड मतलब आरपीएम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें इस क्वेश्चन में आरपीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या करना है? आरपीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको बता दूं कि कटिंग स्पीड कितनी दी है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है? सी एस, ठीक है? दिया क्या क्या है? कटिंग स्पीड कितनी दी हुई है? कटिंग स्पीड दी हुई है आपकी 30 मीटर प्रति मिनट, ठीक है? और डी दिया हुआ है डाया। डाया कितना दिया हुआ है? 40 mm। अब क्या निकालना है? आरपीएम, ठीक है? आरपीएम निकालना है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला वही है, सेम टू सेम, सी एस इंटू 1000 बटे पाई इंटू डी, ठीक है? सी एस क्या है? 30 है, 1000 का गुणा कर देंगे, बटे में कितना आ जाएगा? ऊपर में 7 का गुणा हो जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा? 22 गुणा डी दिया हुआ है 40। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है? यहाँ इसको काटेंगे तो कितने से कट जाएगा? 25 से, ठीक है? यहाँ काटेंगे तो ये काट जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो 22 11, और यहाँ पर काट दिया 2 से तो ये 15। क्या क्या बचा आपका? 15 गुणा 25 गुणा 7 भागित 11, ठीक है? 15 गुणा 25 गुणा 7 भागित 11 इतना बचा आपका, ठीक है? अब गुणा कर लेंगे, 15 गुणा 25, ठीक है? 375 हो जाएगा इंटू 7 भागित 11, ठीक है? 375 इंटू 7 भागित 11, ठीक है? ये सभी को सॉल्व करके कितना आ जाएगा? इनको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 238.63, ठीक है? अब अपने को क्वेश्चन में आंसर में ये देखना है कि 238 दिया है कि नहीं दिया। तो यहाँ पर 238.63 तो यहाँ पॉइंट में नहीं दिया है, लेकिन 238 दिया हुआ है, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है? बी राइट आंसर हो जाएगा।
करेक्ट है, बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सब ड्रिल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ड्रिल के क्वेश्चन हैं, जो ड्रिल चैप्टर से टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अब क्वेश्चन आपका है, कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या है। क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। ठीक है, एनटीपीसी फिटर 2014 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं कटिंग स्पीड के सूत्र के। कटिंग स्पीड सी एस डी बटे 12, ये नहीं होगा। सी एस 12 बटे डी एन, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है 500 वाला। कौन सा है, सी एस बराबर पाई डी एन बटे 1000। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब कटिंग स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। इंच में, जब ब्रिटिश प्रणाली में इंच कटिंग स्पीड, मतलब कि ब्रिटिश प्रणाली में कटिंग स्पीड पाई डी एन बटे 12 आ जाएगा, बटे में। ठीक है, इंच में। ठीक है, पाई डी एन बटे 12। यहाँ पर कटिंग स्पीड आपकी फुट प्रति मिनट में रहेगी। कटिंग स्पीड काय में रहेगी, फुट प्रति मिनट में रहेगी। पाई का मान 22/7 रहेगा। डी मतलब होता है डाया ऑफ ड्रिल, है ना, ड्रिल का व्यास जो कि इंच में रहेगा। और एन मतलब होता है ड्रिल की प्रति मिनट चक्करों की संख्या, है ना, यानी राउंड पर मिनट। ठीक है, यानी राउंड पर मिनट आपका ये इसमें रहेगा। अब आपका इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है, सारे के सारे फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है,